गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लार्ज डिस्टेंसेज के बारे में, और उसमें आप लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज को मेज़र किया, जिसमें आपने एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, पारसेक, लाइट ईयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, काफ़ी डिस्टेंसेज जो बड़ी बड़ी थी उनके बारे में आपने मेजरमेंट किया। उसके बाद में आप लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ स्मॉल डिस्टेंसेज के बारे में भी मेजरमेंट किया था, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, और जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड हैं उनके अंदर भी मैंने आपको बताया काफ़ी कुछ। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ टिनी पार्टिकल्स की। टिनी पार्टिकल्स जस्ट लाइक मोलिक्यूल्स, जस्ट लाइक आपके एटम्स, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज। तो उनकी जब हम साइज निकालते हैं, उनकी साइज का हम लोग एस्टिमेशन मानते हैं। क्या मानते हैं? कि एक एस्टिमेट है, ये इतना एक एस्टिमेट है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है, साइज की जो रेंज होती है वो होती है 10^-10 मीटर टू 10^-8 मीटर के अप्रोक्सीमेट होती है। तो उस रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम स्क्रू गेज से तो मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्रू गेज की जो रेंज है वो है अप्रोक्सीमेट 10^-5। लीस्ट काउंट जो है उसका वो है 10^-5 मीटर, दैट मीन्स 0.1 mm इसके अप्रोक्सीमेट होता है। फिर अगर हमारे दिमाग में आता है कि उन टिनी पार्टिकल्स को क्यों ना हम लोग किससे देख लें, माइक्रोस्कोप से देख लें, तो माइक्रोस्कोप की जो रेंज होती है, जो विजिबल रेंज होती है उसकी देखने की, 10^-6 मीटर टू 10^-7 मीटर की होती है, ये रेंज होती है। और इस रेंज के अंदर हम लोग किसी भी पार्टिकल को 2000 टाइम्स, मतलब किसी भी पार्टिकल की जो साइज है उसको 2000 गुना ज़्यादा बड़ी देख सकते हैं। लेकिन एक समस्या आती है, समस्या ये आती है कि जो विजिबल लाइट है उसी विजिबल लाइट की वजह से हमें ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं इस माइक्रोस्कोप में। तो उस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो होती है 4000 angstrom टू 7000 angstrom, ये रेंज होती है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ से छोटा कोई पार्टिकल है, मतलब विजिबल लाइट की वेवलेंथ 4000 angstrom से 7000 angstrom की होती है, उससे अगर कोई छोटा पार्टिकल है, उस वेवलेंथ से अगर छोटा कोई पार्टिकल है, तो उसको क्या हम माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख सकते उसको, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर जो प्रोसेस होता है देखने का, उसमें क्या होता है कि जो विजिबल लाइट है वो पार्टिकल से जाके टकराती है, उसको हिट करती है, और बाद में रिफ्लेक्ट होके हमारे आई के रेटिना पे आके गिरती है, उस वजह से हमें दिखाई देता है। तो ये मान लीजिए कि विजिबल लाइट जो है, ये लीजिए विजिबल लाइट की जो वेव है उसको हमने ऐसे ऐसे बनाया, इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। अब ये इसकी वेवलेंथ को भी डिनोट करती है, ये इसकी लैम्डा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के तो ऊपर से निकल गई है, इससे तो टकरा ही नहीं, और इससे ये टकरा भी नहीं सकती, क्योंकि इसकी वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है इसकी, और इस वेवलेंथ से तो ये बहुत छोटा पार्टिकल है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे इसको देखने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नया प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, एक नई कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसकी साइज इस पार्टिकल की साइज की वेवलेंथ की हो। तो फिर हमने सोचा कि उससे जो छोटी साइज की जो वेवलेंथ जो होती है वेव की, वो होती है एक्स रेज की। किसकी होती है? एक्स रेज की, एक्स रेज, एक्स रेज की। तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ है उसको अगर हम दिखाएं तो वो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ये मान लीजिए इस तरीके से, इससे छोटी वेवलेंथ होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस वेवलेंथ, ये मान लीजिए ये इसका लैम्डा है यहाँ पे, इस वेवलेंथ से भी छोटा कोई पार्टिकल है, इस वेवलेंथ से भी छोटा कोई, बहुत ज्यादा छोटा है, वेरी टिनी पार्टिकल, वेरी टिनी, वेरी टिनी पार्टिकल, जिसकी जो साइज है वो एक्स रेज की वेवलेंथ से भी छोटी है, मान लीजिए ऐसे ऐसे दिखाएं उसको, तो क्या उस केस में ये यूज होगा? नहीं होगा। उस केस में ये यूज होगा? नहीं होगा। तो इस पार्टिकल को देखने के लिए, इसकी साइज का एस्टिमेशन करने के लिए हम यूज करते हैं एक नई टेक्नोलॉजी का, और वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के रेंज के पार्टिकल, हम इतनी वेवलेंथ को क्रिएट करते हैं कि छोटे से छोटा मॉलिक्यूल, जैसे इस रेंज के जो पार्टिकल हैं उनकी वेवलेंथ का हम उसमें लेते हैं और उसकी रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग उसके अंदर उसके एक बीम बनाते हैं और उस बीम के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर वो जो पार्टिकल है उसकी साइज का एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आप, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर हम लोग एक ऐसे लेंस लेते हैं और इस लेंस के अंदर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट आई और वो रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली गई और इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, चार्ज प्लेट्स होती हैं, इस तरीके से चार्ज प्लेट्स होती हैं, ऐसे चार्ज प्लेट्स होती हैं, ऐसे दिखा सकते हैं हम उनको, ऐसे चार्ज प्लेट्स होती हैं और इन चार्ज प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ऐसे बन रही है और इन इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है और एक बीम बनाता है, इलेक्ट्रॉन बीम बनाता है और वो बीम का फॉर्मेशन कैसे होगा वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। देखिए आप कैसे यूज करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है इसके अंदर, यूज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टीड ऑफ लाइट, इंस्टीड ऑफ लाइट बीम 1 lakh times, 1 lakh times स्मॉलर, 1 lakh times स्मॉलर वेवलेंथ देन लाइट, ये वाली चीज इसके अंदर हम लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, वो क्या क्लियर हो गई है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसमें जो बीम बन रहा है उससे हमें ये चीज का पता चल गया कि एक लाख टाइम्स मतलब 1 lakh guna स्मॉलर वेवलेंथ देन लाइट। तो उस केस में जो ये बना है बीम, उसकी जो वेवलेंथ है वो लाइट की वेवलेंथ से 1 lakh guna छोटी होती है। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा टीनी पार्टिकल की साइज को इससे एस्टिमेट कर सकते हैं। अब जो विजिबल रेंज होती है लाइट की, उस विजिबल रेंज के अंदर ही हमें कलर दिखाई देते हैं। तो ये जो रेंज आई, इस रेंज में तो विजिबल लाइट होगी नहीं, क्योंकि ये तो उससे 1 lakh guna छोटी वेवलेंथ की है। तो उस केस में हमें किसी भी पार्टिकल का कलर जो है वो शो नहीं होगा। ये चीज हमें नोट करके रखनी है, ये हमें माइंड में सेट करके रखना है कि इस केस में हमें बिल्कुल भी किसी भी पार्टिकल का कलर दिखाई नहीं देगा, कलरलेस नजर आएगा वो हमेशा। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। किसके लिए डायरेक्ट मेथड है ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो एटम्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो साइज है उसका एस्टिमेशन करने के लिए डायरेक्ट मेथड को यूज में लेते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये एक अपरेटस है हमारे लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज में टू मेजर डिस्टेंसेज एज हाउ एज साइज दिस वन 10^-8 meter टू 10^-10 meter ऑफ ए मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर एबल टू रिजॉल्व एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हाइल यूजिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये वाली चीज डायरेक्ट मेथड में आएगी। किसके डायरेक्ट मेथड में आएगी, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज के मेथड में डायरेक्ट में आएगी। अब इसके अलावा जो इनडायरेक्ट मेथड जो यूज होता है वो क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसके अंदर हम इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स की साइज को कैसे एस्टिमेट करेंगे, उसके लिए हमने एक मेथड बनाया और उस मेथड का नाम रख दिया ओलिक मेथड, ओलिक एसिड मेथड।
अब इस ओलिक एसिड को ही हमने इसमें यूज क्यों लिया, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। और इसको यूज लेने का रीजन ये था कि ओलिक एसिड जो है वो मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है। क्या बनाता है? मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है। अब बात ये आती है कि मोनोमोलिकुलर लेयर क्या होती है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है। एक एग्जांपल लिया अपन ने, सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक स्विमिंग पूल है। क्या है? एक स्विमिंग पूल है। इस तरीके से मान लेते हैं कि ये एक स्विमिंग पूल है, इस तरीके से, ठीक है। अब इस स्विमिंग पूल के लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा आप। इस स्विमिंग पूल का ये लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, इसमें मैंने प्लास्टिक की बॉल्स डाल दी। क्या डाल दी? प्लास्टिक की बॉल्स। तो प्लास्टिक की जो बॉल्स है वो इसके अंदर नहीं डूबेंगी और इसके सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पानी के सरफेस पे, जो लिया है हमने उसके ऊपर इस तरीके से, ऐसे 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 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब एक एक बॉल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इसका रीजन ये है कि इनके ऊपर नीचे की साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक जगह पे, जैसे हम ऊपर से मिट्टी गिराते हैं, मान लीजिए ये हम मिट्टी गिरा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक ऐसे ढेर सा बन जाएगा, ऐसे एक ढेर सा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी सरफेस के ऊपर पानी की बूंद गिराएं, ये लीजिए ड्रॉप ऑफ वाटर है, ऐसे ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, इसको अगर गिराएं हम लोग, तो ये ड्रॉप ऑफ वाटर क्या होता है, ये यहाँ पे एक थिन फिल्म बना देता है, ऐसे फैल जाता है ये इसके ऊपर, एक थिन फिल्म बना देता है इस तरीके से। तो ये वाला इस तरीके से बनाता है, ये थिन फिल्म बना देता है ऐसे, और ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है। तो जो लिक्विड है उस लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है इस तरीके से फैलने की। अब उसी तरीके से हमने समझा कि ये जो फैला है यहाँ पे, इसके ये मोलिक्यूल्स हैं, सपोज कीजिए सिंगल मोलिक्यूल्स हैं, ऐसे सिंगल मतलब एक मोलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ में है बट एक दूसरे के ऊपर नहीं है, मतलब ये ऐसे नहीं रखे हुए हैं, ऐसे नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस लेयर को क्या बोलेंगे, मोनोमोलिकुलर। मान लीजिए ये मोलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, मोलिक्यूल्स हैं सारे के सारे, तो ये सिंगल मोलिक्यूल्स की लेयर बनी है, इसको हम बोलते हैं मोनोमोलिकुलर लेयर, ठीक है। अब इसी टेक्नोलॉजी को, ये जो टेक्निक है, जो फिल्म बनी है यहाँ पे, इसी को हम यूज में लेने वाले हैं इस ओलिक वाले, मतलब इस ओलिक एसिड के मेथड में। अब हमें पता ये करना है कि ये बनेगी कैसे, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक बर्तन लिया। सपोज कीजिए, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, टॉप व्यू, मान लीजिए हमारे पास कोई वेसल है, उस वेसल का टॉप व्यू है ये क्या है, उसका टॉप व्यू। इसमें पानी भरा हुआ है, और उस पानी में हमने एक पाउडर डाल दिया, उसके पूरे सरफेस के ऊपर, जो वाटर है उसके पूरे सरफेस पे हमने एक पाउडर डाल दिया। इस पाउडर के ऊपर जैसे ही हम एक ओलिक एसिड की ड्रॉप डालते हैं, ऐसे मान लीजिए ड्रॉप डाली, ड्रॉप डालते ही जो पाउडर है वो साइड में हट जाता है ऐसे चारों तरफ, और यहाँ पे एक सर्कुलर ऐसे गैप बन जाता है, और यहाँ पे हमें पानी नजर आने लग जाता है, पूरा पाउडर इस साइड में आ जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा, और इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या हुआ, ये हमारे पास एक सर्कुलर जो फिल्म बनी है यहाँ पे, इस फिल्म का हम डायमीटर नाप सकते हैं, ठीक, इसका डायमीटर हमें मिल सकता है, हम इजीली इसको मेजर कर सकते हैं, और साथ में हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ पे हमने डाला था, ड्रॉप ऑफ वाटर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी हमने यहाँ पे डाली थी, उसको भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब देखो, अब अगर हम इसका एक सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्यूशन बनाया हमने ओलिक एसिड का अल्कोहल के साथ, किसके साथ बनाया, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ क्यों बनाया, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, 1 cm³, क्या लिया, 1 cm³, यहाँ से हमने 1 cm³ ओलिक एसिड लिया और उसका हमने अल्कोहल के साथ में 20 cm³ का एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, सॉल्यूशन,
ये सॉल्यूशन बना है, ठीक है। अब इस 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में से दोबारा से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक और सॉल्यूशन लिया और उसको दोबारा से अल्कोहल में रिजोल्व किया, डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के बाद में हमें 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक और सॉल्यूशन बनाया। ये क्या है, 2 times डाइल्यूट हो गया है। क्या हो गया है, 2 times डाइल्यूट हो गया है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को कैसे डिनोट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये कितना बना आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब बना आपका 2 times हो गया, तो 1/20 × 20 cm³ इतना बन गया आपका सॉल्यूशन। मतलब इतने में से 1 cm³ क्या है आपका ओलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 1 cm³ ये है 1/400 cm³, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको। या फिर हम इसको और इजी तरीके से समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं 400 cm³ जो है उसके अंदर क्या है, 1 cm³, ठीक है। 1 cm³ ओलिक एसिड, LEIC एसिड, ठीक है। दैट मीन्स इस लाइन को अगर हम एक फॉर्मेट में लिखें तो वो क्या बनेगी, वन पार्ट पर 400, ठीक है। ये बन गया हमारा, इसको हमें याद रखना है। अब इस चीज को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए वॉल्यूम टू वॉल्यूम अगर इसको बनाए तो हमारे पास में क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, 1/400 वॉल्यूम टू वॉल्यूम ओलिक एसिड, ओलिक आईसी एसिड, ये बना हमारे पास में, ठीक है। अब इसकी आगे कैलकुलेशन करते हैं। आगे कैलकुलेशन क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था आपको अभी अभी, क्या बताया था, ये हमने क्यों निकाला इसका रीजन बताता हूँ। जैसे हमने एक वेसल लिया था, उस वेसल पे पाउडर छिड़क दिया, पाउडर छिड़कने के बाद में ओलिक एसिड की ड्रॉप डाली, ड्रॉप डालने से वो पाउडर साइड में हट गया और एक सर्कुलर फिल्म बन गई। अब उस फिल्म की थिकनेस क्या है, मान लिया कि वो मोनो मोलिकुलर लेयर बनी, ठीक है, लेकिन उसकी थिकनेस क्या है, उसकी जो थिकनेस होगी वही ओलिक एसिड के एक मोलिक्यूल का डायमीटर होगा, क्योंकि सिंगल मोनो मोलिकुलर लेयर है, इसका मतलब सिंगल सिंगल जो मोलिक्यूल्स हैं ओलिक एसिड के वो उसके ऊपर पूरी तरीके से फैले हुए हैं और उसी की एक फिल्म बनी हुई है वहां पे। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस प्रोसेस को यूज में लिया हमने। अब देखिए हमने अल्कोहल को ही क्यों यूज में लिया, अल्कोहल को यूज में लेने का रीजन ये था कि अल्कोहल जो है वो फैलने के बाद, जैसे मोनोमोलिकुलर लेयर बनेगी उस केस में वो ज़्यादा दूरी तक फैल जाएगी, उस केस में क्या होगा, उस केस में इवेपोराइज हो जाएगा क्या, अल्कोहल, और फाइनली क्या बचेगा उसमें, उसमें जो बचा हुआ जो थिन फिल्म बनी हुई है उसी को हम कंसिडर करेंगे कि वो थिन फिल्म जो है वो ओलिक एसिड की ही बनी हुई है, उसमें अल्कोहल का कोई मोलिक्यूल नहीं है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, और अल्कोहल जो है वो इवेपोराइज हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए, तो उसमें हमें क्या करना है, देखिए तो अब इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने कितनी ड्रॉप्स जो हैं वो ओलिक एसिड की उस पानी के अंदर गिराई थी जिससे वो फिल्म बनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक ब्यूरेट लिया और ब्यूरेट में हमने उस सॉल्यूशन को भर दिया जो हमारे पास था। अब देखिए इस तरीके से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए कि ये आपका ब्यूरेट है, इस तरीके से एक ब्यूरेट लिया हमने ऐसे, ये ब्यूरेट है आपका ऐसे, और इस ब्यूरेट को हमने यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया है, ये स्टैंड है, यहाँ पे स्टैंड है ये आपका, ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ से ये 10 cm, मान लेते हैं कि 10 cm³ इसके अंदर ये भरा हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, नीचे एक दूसरा वेसल रख दिया यहाँ पे और इसके अंदर बूंद बूंद गिराना शुरू कर दिया ऐसे, और ये जो ड्रॉप्स हैं इनको हमने काउंट कर लिया, क्या कर लिया, ड्रॉप्स को काउंट कर लिया, ये जो ड्रॉप्स हैं ड्रॉप्स इनको हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अब हमने माना
अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम जो हमारे पास 10 cm³ जो वॉल्यूम था हमारा इस ब्यूरेट के अंदर, उसके अंदर मान लेते हैं कि 500 ड्रॉप्स इसके अंदर हमने काउंट की। कितनी काउंट की? 500। तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यहाँ पे, दैट मीन्स हमने लिया 10 cm³ में कितनी ड्रॉप्स हैं? 500 ड्रॉप्स, ठीक है। अब 1 cm³ में कितनी ड्रॉप्स होंगी? ध्यान से देखिए, 10/500 cm³, दैट मीन्स 1 cm³ में कितनी हो जाएंगी? 1/50 cm³, ठीक है। कितनी हो गई? 1 cm³ में 1/50 cm³। तो ओलिक एसिड इस ड्रॉप के अंदर कितना लेंगे हम लोग? ये 1 cm³ में आया, तो ओलिक एसिड 1 cm³ में कितना ओलिक एसिड होगा? ये तो हमने निकाला यहाँ पे, ये तो हमें पता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लें तो हम लिख सकते हैं, देन ओलिक एसिड इन द ड्रॉप इज इक्वल्स टू 1/400 × 1/50 cm³, इतना होगा। ऐसे हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऐसे अज्यूम किया और इसको आगे सोल्व किया, तो हमारे पास जो फिल्म बनी है उसकी जो थिकनेस है उसके लिए हमने मान लिया, जैसे ऐसे एक फिल्म बनी है आपके पास, इस तरीके से दिखाया इसको, ऐसे दिखाया, ये मोनोमोलिकुलर लेयर है आपकी, फिल्म है ऐसे ये ऐसे, और हमने माना कि ये जो इसकी थिकनेस है ये है आपकी टी, कितनी है? टी मान लिया इसको, ये लीजिए टी मान लिया इसको, इस तरीके से, ठीक है। अब जो फिल्म बनी है इसका डायमीटर हम पहले से ही उस फिगर में बना चुके हैं, डी है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है इस फिल्म का, वॉल्यूम, तो फिल्म का वॉल्यूम निकालने के लिए इसका एरिया और इसकी थिकनेस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द फिल्म इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एरिया इनटू थिकनेस टी। ये इक्वेशन एक बना दी जैसे, मान लीजिए एक बार थोड़ी देर के लिए। अब अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास में जो ड्रॉप्स हैं, ये यहाँ पे तो हमने 500 ड्रॉप्स के लिए निकाला था, सिंगल ड्रॉप के लिए इतना आया, तो मान लेते हैं कि n ड्रॉप्स हैं। कितनी ड्रॉप्स हैं? n, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है? n। इफ n ड्रॉप्स अगर हम पानी के अंदर गिराएं, ये जो पानी है जिसके ऊपर लेयर बनी है उसमें अगर हमने n ड्रॉप्स फॉल करवाई हैं, गिराई हैं, तो उस केस में अगर हम उसका वॉल्यूम देखें तो क्या बनेगा? इफ n drops are falling in the water, तो उस केस में हम लोग क्या क्या बताएंगे इसको? वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा n drops के लिए। ये किसके लिए आया? ये देखिए यहाँ पे सिंगल ड्रॉप के लिए आया, तो n drops के लिए क्या हो जाएगा? इंटू n, तो आप लिख सकते हैं n इंटू 1/400 × 1/50 cm³, ठीक है। इसको बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो फिल्म का जो हमने डायमीटर के अकॉर्डिंग निकाला और उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग निकाला वॉल्यूम, वो तो ये आ गया, और ये किसके लिए निकाला हमने? ड्रॉप्स के अकॉर्डिंग, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम वगैरह निकाल के, 1 cm³ वगैरह वगैरह निकाल के हमने ये निकाला एन ड्रॉप्स के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि जितनी ड्रॉप्स हैं उसी के हिसाब से तो ये एरिया कवर हुआ है और उसी के हिसाब से उसकी थिकनेस बनी है, तो उसके हिसाब से ही हमने इन दोनों को एक दूसरे के कंपैरिजन में ले सकते हैं। और कंपैरिजन में लेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे कंपैरिजन में लेंगे तो हम लोग इनको लिख सकते हैं, यहाँ से हमने लिखा एरिया इंटू टी इज इक्वल्स टू एन इंटू 1/400 × 1/50, दोनों को इक्वल कर दिया cm³, दोनों को इक्वल कर दिया है। अब हमें सिर्फ थिकनेस निकालनी है। थिकनेस क्यों निकालनी है? क्योंकि ये जो थिकनेस है यही एक मॉलिक्यूल का डायमीटर बताएगी हमें। ये जो फिल्म बनी है, इस फिल्म की जो थिकनेस है
वही हमें एक मोलिक्यूल का ओलिक एसिड के एक मोलिक्यूल का डायमीटर हमें बताएगी। और एक मोलिक्यूल का ही क्यों बताएगी, क्योंकि ओलिक एसिड मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनाता है, तो इसके अंदर एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के ऊपर नहीं जबकि एक दूसरे के अगल बगल में होता है, दाएं बाएं होता है, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है। तो T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N इंटू 1/400 × 1/50 / एरिया। ठीक है, अब ये D है तो इसके हिसाब से अगर एरिया निकालें इसका तो पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं आप, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया इसका। तो उसके हिसाब से हमने लिखा है यहाँ पे T इज इक्वल्स टू N इंटू 1/400 × 1/50 / पाई डी स्क्वायर, यहाँ पे आप R लेना चाहें जो भी आपको सूटेबल लगे, बाई 4। ये आपका आंसर आ गया थिकनेस का। इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। N की वैल्यू हम लोग काउंट कर सकते हैं आराम से, हमें पता लग जाएगा कितनी ड्रॉप्स उसके अंदर हमने डाली थी, इस हिसाब से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, मैं डिनोट कर देता हूँ, N है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ये है N आपका। ठीक है, और 1/50 क्या है, 1/50 याद कीजिए क्या निकाला था हमने, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको 1/50, इससे पहले वाले जो इरेज कर चुका हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। ठीक, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या है, 1/400, ये है 120 का जो सॉल्यूशन बनाया था आपने, उसका डाइल्यूशन, जो ओलिक एसिड और अल्कोहल है ना अपना, उसका डाइल्यूशन है ये हमारा 1/400। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और ये हमारी थिकनेस आ जाएगी लेयर की। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको, वो क्या है, इसके अंदर कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप इस साइड में पॉसिबल प्रॉब्लम्स वो क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, सपोज कीजिए कि ये आपकी मोनोमोलिकुलर लेयर बनी थी, ऐसी सर्कुलर लेयर बनी थी, इसके अंदर जो मोलिक्यूल थे वो ऐसे रखे हुए थे, ऐसे रखे हुए थे। ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। आप अगर देखें तो मैं इसको थोड़ा जूम करूं, तो जूम करने के बाद में ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, तो आप अगर देखें तो इसके बीच में स्पेस बचा हुआ है। ऐसी तरीके से यहाँ एक और मॉलिक्यूल होगा, ये स्पेस बच गया। इसी तरीके से यहाँ एक और मॉलिक्यूल होगा तो ये भी स्पेस बच गया। इसी तरीके से यहाँ देखें तो ये भी स्पेस बच गया। ठीक है, तो अगर इस स्पेस को हम लोग कंसीडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है उसकी साइज स्फेरिकल होने की वजह से ऐसा हमें नजर आता है। बट मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस केस को हम बोल सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला है पैकिंग इफिशियंसी। तो इस केस से हमें क्या पता चलता है, इस केस से हमें ये पता चलता है कि ये जो थिकनेस हमने फाइंड आउट की है, ये एक एस्टिमेशन है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ एरर्स आ रहे हैं। दूसरी जो है उसको हम बता सकते हैं मोलिकुलर शेप। क्या बता सकते हैं, मोलिकुलर शेप। दूसरी जो पॉसिबल प्रॉब्लम है उसको हम बता सकते हैं मोलिकुलर शेप। ये है आपकी मोलिकुलर शेप। मोलिकुलर शेप क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ओलिक एसिड की जो शेप होती है वो स्फेरिकल नहीं होती है, जबकि हमने तो यहाँ पे जो लेयर बनाई थी, थिन फिल्म जो बनाई थी, उसमें उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल ली थी, जबकि इनकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ऐसे
लंबी शेप वाले होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, किसके? ओलिक एसिड के, ऐसे शेप वाले होते हैं, ऐसे ऐसे शेप वाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने तो इसकी थिकनेस निकाली है, ये वाली थिकनेस निकाली है, अगर मोनोमोलिकुलर लेयर बनी तो ये वाली निकाली है, तो इसका डायामीटर नहीं निकाला हमने। मतलब ये जो थिकनेस है ये तो कोई डायामीटर नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि डायामीटर तो एक स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये वाली भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन, एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी कि ये इसका डायामीटर हो सकता है, पॉसिबल है ये इसका डायामीटर, ठीक है, मॉलिक्यूल का। तो ये आज हमने पढ़ा ओलिक एसिड इनडायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के लिए, एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे और उसमें कुछ अदर कैलकुलेशंस भी आपको बताएंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।